हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ वो है एक विटामिन सी सीरम। तो आप सबको पता है विटामिन सी हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आज इसी के सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ही वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ वॉम्यूम विटामिन सी फेस सीरम, जो 20% विटामिन सी, हेलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई के साथ आता है। इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है। इसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 599 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफर में देखने को मिल जाएगा। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करें तो 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ ये आता है। सेल्फ लाइफ इसकी जो है 24 मंथ्स की है। आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिक्स करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक्वा देखने को मिल जाएगा, एलोवेरा जेल है इसमें, और इसमें आपको विटामिन ई देखने को मिल जाएगा, हेलुरोनिक एसिड है, नियासिनेमाइड है, विटामिन B3 है इसमें, विटामिन ई है, स्वीट आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, ग्लिसरीन है, और फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है ये। ये सर्टिफाइड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, सब मेंशन है इसमें। मैं इसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगी तो आप इसका स्नैप अच्छे से देख पाएंगे वहाँ पे। अब इसकी मैं आपको बता दूं कि इसे हमें हमेशा ही कूल और ड्राई प्लेस में रखना है, जैसा कि सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा मेंशन होता है। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे है, और आपको ये भी बताते हैं कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है। ये आपको एकदम छोटी सी क्यूट सी बॉटल में देखने को मिलेगा, वाइट कलर की ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल है। यहाँ पे आपको पंप देखने को मिलेगा जिससे आपको प्रोडक्ट निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। मैं आपको एक बार इसको यूज़ करके बताती हूँ कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बस 1 या 2 पंप ही अपने हाथों पे निकालना है, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। और सीरम लगाने का एक अलग मेथड होता है कि सीरम को हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड हाथों से अपने फेस पे या नेक पे रब नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही इवनली अपने फेस पे डैब डैब मोशन पे करके ही लगाना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको। मैंने देखिए अपने हाथों पे इसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया है। इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ही वाटरी फॉर्म में है, नॉन स्टिकी फॉर्म के साथ ये आता है। आपको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपाहट महसूस नहीं होगी। फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है ये, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, बट आपको इसको अप्लाई करने में आपको जैसे ऑरेंज की स्मेल होती है ना, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें इसमें आपको वैसी ही ये स्मेल आएगी जो विटामिन सी की एग्जैक्ट स्मेल होती है। तो मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए 100% यस है, गो फॉर इट। और मुझे इसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी 1 वीक हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम उसको यूज़ करने के लिए आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो आपको ये पता चल सके कि आपके स्किन पे ये अच्छे से मिक्स हो रहा है कि नहीं, आपके स्किन टोन को ये थोड़ा सा ब्राइटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें कोई भी विटामिन सी सीरम अपने फेस पे लगाने से पहले हमें तुरंत ही धूप में नहीं जाना चाहिए। उसका अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका जो असर होगा वो तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाएगा और आपके स्किन पे रैशेस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी विटामिन सी सीरम अप्लाई करने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाइएगा। सनस्क्रीन के बाद आप अगर विटामिन सी सीरम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद ही आप धूप के कांटेक्ट में आइएगा, नहीं तो आपके फेस पे वो अलग सा ही कुछ इफ़ेक्ट दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबके आंसर्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो मैं नीचे अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए बहुत जल्द आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।